किसान भाइयों, मेसी 1035 ओल्ड मॉडल का काम चल रहा है इंजन का, और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ट्रैक्टर का ओनली फॉर इंजन किस तरीके का दिखता है। जो कि मशीनें जो आती थी काफ़ी जगहों पर यूज़ होती है, जैसे कि बोरवेल के काम में यूज़ होती थी, चक्की के आटे के लिए, आटा पीसने के लिए कई जगहों पर यूज़ होता था। ये मशीन सेम टू सेम है दोनों ही, सिर्फ फ़र्क ये होता था कि वो एक सिलेंडर का आता था और ये तीन सिलेंडर में भी आता है, कई ट्रैक्टरों के अंदर चार सिलेंडर भी आता है, लेकिन दिखने में लगभग सेम टू सेम है। और ये पुराना इंजन है, पुराने ट्रैक्टर का इंजन है, और बॉडी भी काफ़ी मजबूत होती थी पुराने ट्रैक्टर की। आजकल कई सारे ट्रैक्टरों के अंदर कई कंपनियों ने बॉडी भी पतली कर दी है, जो कि इसका वेट कम कर दिया है। कई सारे ट्रैक्टर है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन से ट्रैक्टरों के अंदर बॉडी को कम करके उसका वेट घटाया गया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और ये जो है वो भी मैसी 1035 ओल्ड मॉडल है, इसकी बॉडी आप अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी मजबूत होती थी। लेकिन आजकल धीरे धीरे कंपनियाँ वेट कम कर रही है, कंपनियों का कुछ और ही कहना होता है कि वेट कम होता है, उस हिसाब से एवरेज अच्छा मिलता है। ये आप देख सकते हैं, ये पुराने ओल्ड मॉडल की बॉडी है, जो कि साइड से आप देख सकते हैं कितने गेज में जाड़ी है। लेकिन आजकल की जो बॉडी आती है ट्रैक्टरों में, वो कई ट्रैक्टरों में ऐसी नहीं आती है। बाकी आप देख सकते हैं इसका इंजन का शेप कैसा दिखता है, वो ज़रूर बताएं। आप भी बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि सेम उसी मशीन की तरह दिखता है या नहीं। और मैं आपको बहुत ही जल्द बताऊंगा कि कौन से ट्रैक्टरों के अंदर बॉडी का वेट घटाया गया है। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, और भाई की चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ पर किसानों से जुड़ी सही खबर, सही जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।